हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बच्चों करेंगे कार्यपत्रक 74 जो कि 6 to 8 के बच्चों के लिए जो है ये वर्कशीट शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की तरफ से 29 सितंबर 2020 के लिए। और आज की वर्कशीट में बेटा आपको जो है कुछ यहाँ पर स्पेशल डेज जो है वो आपको मिलेंगे जो आपको लर्न करने हैं। यहाँ आप अपना नाम और यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम जो है वो लिखेंगे। आपका बर्थडे आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण दिन होता है, तो सभी बच्चे जो है सभी बच्चे अपना बर्थडे का वेट करते हैं, क्योंकि जो बर्थडे है वो आपके लिए क्या होता है, हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण दिन होता है। और महात्मा गांधी का जो बर्थडे है वो देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। आपको पता है महात्मा गांधी जो है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका बहुत ही हमारे देश में सम्मान है, वो आदरणीय हैं। इसी प्रकार कुछ तिथियां देश और विश्व के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो जिस प्रकार हमारा बर्थडे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसी तिथियां हैं, कुछ ऐसी तारीख हैं जो पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इन तिथियों के द्वारा कुछ खास व्यक्तियों, कार्यों और विचारों को याद करते हैं, प्रचार करते हैं, महत्व देते हैं और उसके संबंध में जागरूकता फैलाते हैं। जैसा कि हमारे देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो बच्चों 15 अगस्त क्या है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, और 26 जनवरी हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था, तो 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। और दोनों ही तारीख हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। घर में उस माह का कैलेंडर बनाकर टांगिए जिसमें आपके माता पिता का जन्मदिन पड़ता हो, ठीक है। तो आपको एक कैलेंडर बनाना है जिसमें आपको लिखना है कि किस दिन जो है आपके माता पिता का कैलेंडर जो जन्मदिन है वो उसमें आता है, और उसमें महत्वपूर्ण तिथियों को भी अंकित कीजिए। आइए कुछ अन्य तिथियों की चर्चा करते हैं। तो बच्चों आप उसमें कुछ अन्य जो भी आपके घर में कुछ खास हुआ है ऐसी तिथियों को अंकित कर सकते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, आपका बर्थडे है, आपके जो भाई बहन है उनका बर्थडे है, आप कोई और ऐसा दिन है जो आप याद रखना चाहते हो, तो ऐसी जो तारीख है उनको उस कैलेंडर में आपको अंकित करना है ताकि आप उसको याद रख सकें। अब देखिए महात्मा गांधी के जो है जन्मदिन कब है, 2 अक्टूबर, ओके। जब हम गांधी जयंती मनाते हैं, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। गांधी जी की कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं, लिखिए और उनका चित्र भी बनाइए। तो बच्चों ये चित्र जो बनाया हुआ है, ये चित्र आपको बनाना है, ठीक है, और यहाँ पर उनके बारे में आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं, आप बच्चों महात्मा गांधी के बारे में जो जानते हो वो आपको लिखना है और उनका चित्र बनाना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। बच्चों यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो, उनकी ऐसी बातें हैं जिनको हम सभी को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। हमें गांधी जी की तरह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने देश के प्रति सम्मान रखना चाहिए। तो ये बातें हैं। इसके अलावा बच्चों आप भी अगर गांधी जी के बारे में कुछ और बातें जानते हो तो आप वो लिख सकते हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है शिक्षक दिवस कब, किस दिनांक को था, ये हमने बच्चों लास्ट वर्कशीट में किया भी था, हमने पढ़ा था शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, एक वर्कशीट में आया थी ये सारी डेट। ऊपर लिखिए अपने प्रिय शिक्षक के लिए कुछ बातें कार्ड पर लिखिए। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है बच्चों, सभी बच्चों को पता है कि जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को, ठीक है, 5 सितंबर को जो है मनाया जाता है। तो आप यहाँ से लिखेंगे 5 सितंबर, ओके, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपको क्या करना है, सभी बच्चे जो है अपनी टीचर्स के लिए कार्ड जरूर बनाते हैं, तो आपको वैसा ही एक कार्ड बनाकर अपनी टीचर्स के लिए कुछ बातें जो आपको अच्छी लगती हैं वो उसमें लिखनी है। तो आइए देखिए बच्चों आप क्या लिख सकते हो। इसके अलावा जो आप अपने पास से जो भी आपको आपके टीचर में पता है, अच्छा लगता है, वो आपको लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। कार्ड आप खुद बनाओगे, तो बच्चों आप लिखोगे शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, मेरी अध्यापिका मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वह हमें बहुत प्यार से पढ़ाती हैं, उनका पढ़ाया हुआ मुझे बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, मेरी अध्यापिका हर मुश्किल में मेरा साथ देती हैं, शिक्षक दिवस मुबारक हो।
तो ये आप जो है अपने जो कार्ड है उस पर लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर बच्चों कुछ जो है तिथियाँ दी गई हैं जिनके बारे में आपको याद करना है। 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? तो बताइए 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। आप इसके सामने लिखेंगे गणतंत्र दिवस, ठीक है। इस दिन हमारा संविधान जो है वो लागू हुआ था, तो 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है? गणतंत्र दिवस। उसके बाद देखिए 24 जनवरी को बच्चों यहाँ से राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 12 जनवरी से। तो यहाँ पर देखिए 12 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय युवा दिवस है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस है, ठीक है। 9 जनवरी को क्या है बच्चों? भारत प्रवासी भारतीय दिवस। 1 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय पर्यटन एवं मतदाता दिवस। 30 जनवरी को बच्चों शहीद दिवस मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 30 जनवरी को क्या है? शहीदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए उसके बाद है 28 फरवरी। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सी वी रमन, ठीक है। सी वी रमन जो है उनके नाम पर मनाया जाता है विज्ञान दिवस। तो आप लिखेंगे इस तरह से सी, ठीक है, वी रमन, इनके नाम पर विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए बच्चों 21 फरवरी को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आफ्टर दैट 22 अप्रैल, 22 अप्रैल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दिन मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल। 18 अप्रैल को है विश्व विरासत दिवस, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 अप्रैल को है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, और 29 अप्रैल को है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। उसके बाद देखिए बच्चों 29 जून को है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। उसके बाद 22 जुलाई को है राष्ट्रीय आम दिवस, ओके। आफ्टर दैट देखिए यहाँ पर 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस है, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है, और यहाँ पर 22 मार्च को क्या है? विश्व जल दिवस। तो जल दिवस कब मनाया गया? 22 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है। 8 मार्च को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस, ये भी आपने पढ़ा है एक वर्कशीट में। 5 जून को बच्चों क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। उसके बाद 21 जून भी इम्पोर्टेंट है, विश्व योग एवं विश्व संगीत दिवस। 21 जून को विश्व योग एवं विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस। तो बच्चों ये काफ़ी सारी जो है आपको तिथियां दी गई हैं जिनको आपको लर्न करना है, और इसमें से काफ़ी जो है कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 14 सितंबर को, ये भी इम्पोर्टेंट है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है बच्चों? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। उसके बाद देखिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के महान योगदान के कारण, ठीक है, महान योगदान की याद में। तो 26 नवंबर को जो है क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के महान योगदान। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने हमारा संविधान लिखा। उसके बाद देखिए 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है बच्चों? बाल दिवस होता है 14 नवंबर को। 10 दिसंबर को है विश्व मानवाधिकार दिवस। क्या है? विश्व मानवाधिकार दिवस। 23 दिसंबर को है किसान दिवस। तो यहाँ पर आपको कुछ दिवस दिए जा रहे हैं, रिक्त स्थानों में अन्य प्रसिद्ध जो है दिवस को लिखिए। तो जो खाली स्थान है इनमें हमने सब में फिल कर लिया। यहाँ 26 जनवरी को क्या होता है? गणतंत्र दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सी वी रमन के जन्मदिन पर। और ये 15 अगस्त, ये 15 अगस्त को क्या होता है बच्चों? स्वतंत्रता दिवस। तो आप लिखेंगे 15 अगस्त को क्या है? स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जाता है 15 अगस्त को, ठीक है। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट बेटा क्लियर है। तो ये कंप्लीट वर्कशीट जो है आपको अपनी कॉपी में आप ये सारी जो तिथियां हैं वो लिखेंगे, ताकि आपको फिर जो है याद करने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये काफ़ी एक दूसरे के पास पास लिखी गई हैं, इसलिए आप इनको सीरियल से जो है एक एक कॉपी में अपनी में इनको लिख लीजिए और फिर इनको आप याद कीजिए। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं,
और वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।